नमस्कार मैं आदित्य कुमार शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ए पी जी शिमला यूनिवर्सिटी शिमला आज आपको बताऊंगा कि भारत में साइबर लॉ क्या है और इसकी महत्ता और इसकी आवश्यकता क्या है कंप्यूटर एट रिस्क 1991 इज अ रिपोर्ट ऑफ नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए द मॉडर्न थीप कैन स्टील मोर विद अ कंप्यूटर देन विद अ गन टुमारोज टेररिस्ट मे वी एवल टू डू मोर डैमेज विद द की बोर्ड दैन विद द बम सो यू कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ साइबर लॉ नाउ वाट इज़ द नीड ऑफ साइबर लॉ इंटरनेट हैज ड्रामेटिकली चेंज अवर लाइफ वी आल नो दैट वी आर लिविंग इन इरा ऑफ इंटरनेट सोसाइटी सो इट चेंज अवर लाइफ वेरी रैपिडली ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर टू पेपरलेस वर्ल्ड हम सभी जानते हैं कि आज कागज रहित जगत में काम कर रहे हैं हम लोग आज कंप्यूटर पर ज़्यादा काम होता है इसलिए साइबर लॉ की आवश्यकता है जो रियल लॉज ऑफ़ रियल वर्ल्ड कांट बी इंटरप्टेड इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग साइबर स्पेस जो हमारे रियल वर्ल्ड के लॉज थे वो साइबर स्पेस के साथ डील नहीं कर सकते थे इसलिए हमें साइबर लॉ की आवश्यकता पड़ी इंटरनेट रिक्वायर्स एन इनेबलिंग एंड सपोर्टिव लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्यून विद द टाइम जो भी है इंटरनेट जो है उसको भी आवश्यकता है टाइम के साथ ट्यून करने के लिए उसके लिए एक सपोर्टिंग लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है इसलिए साइबर लॉ की ज़रूरत हमें है साइबर लॉ है क्या साइबर लॉ इज़ अ लॉ गवर्निंग विद साइबर स्पेस अब हम जाने कि साइबर स्पेस किसे कहते हैं साइबर स्पेस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स नेटवर्क्स सॉफ्टवेयर्स डाटा स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क यूएस पी डिस्क द इंटरनेट वेबसाइट ई मेल इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सचेज सेल फोन्स ए टी एम मशीन्स आज हम सभी इस इनमें से किन्हीं ना किन्हीं चीजों का कहीं ना कहीं उपयोग जरूर कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा लॉ जो इस स्पेस के साथ डील करता है उसको साइबर लॉ कहते हैं साइबर लॉ डील्स विद साइबर क्राइम्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी नाउ कम टू साइबर क्राइम व्हाट इज साइबर क्राइम साइबर क्राइम एनी क्राइम हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी आर लिविंग इन द इराफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सो एनी क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड साइबर क्राइम एंड एनी क्राइम वेयर आइदर द कंप्यूटर इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट और ऐसा कोई भी क्राइम जहाँ कंप्यूटर को एस एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है वो साइबर क्राइम है साइबर क्राइम को हम तीन भागों में विभ्यक्त कर सकते हैं पहला साइबर क्राइम अंगशन किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्राइम साइबर स्पेस से किया गया क्राइम किसी साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के खिलाफ कंप्यूटर से किया गया क्राइम साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट हमारी जो सरकारें हैं उनके खिलाफ किसी भी कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करते हुए किया गया साइबर क्राइम नजर डालते हैं स्टेटिक्स पर कि डाटा कैसे बढ़ रहा है 2008 में एनसीआरबी ने रिकॉर्ड किया कि साइबर क्राइम के दो केसेस उनके यहाँ दर्ज हुए इसके बाद यह डाटा 2012 में 2213 सौ केसेस पहुंच गया इसका मतलब है साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है तो इन क्राइम्स को डील करने के लिए हमें साइबर लॉ की जरूरत पड़ी इसीलिए भारत में आईटी एक्ट लाया गया आईटी एक्ट 2000 नाम से इसको जाना जाता है जिसे हम द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट टू कहते हैं ये फोर्स में आया सत्रह अक्टूबर दो को द इसका प्राइमरी पर्पज क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है जो भी गवर्नमेंट का है या बैंक bank, बैंक्स का है इन सबको एक लीगल रिकॉग्निशन uh, प्रदान किया जाए ये इसका प्राइमरी पर्पस था इस एक्ट को 94 फोर और 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांसक्शन जैसे हम ए से कोई भी पैसा निकालते हैं कुछ भी हम ट्रांसैक्शन करते हैं उसको लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करने के लिए आई टी एक्ट टू लाया गया टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे जो, जो भी हैं जैसे हमारी इनकम टैक्स विभाग हुआ उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है उसको लीगल आस्पेक्ट प्रदान करने के लिए आई एक्ट लाया गया और इसके साथ साथ इंडियन पिनल कोड द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू द बैंकर्स एक्ट द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करने के लिए भी आई टी एक्ट टू लाया गया एम टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल फ्रेम प्रदान करने के लिए आई टी एक्ट को पारित किया गया इसको दो में अमेंड किया गया इसलिए इसको आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 बोलते हैं जिसको दो तेईस 2008 को पारित किया गया इसके बाद इसको 5 फरवरी 2009 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर हासिल हुआ और इसको हम आईटी एक्ट 2008 को हम आईटी एक्ट 2009 के नाम से भी जानते हैं आईटी आईटी एक्ट 2008 जो है वो न्यू वर्जन है आई टी एक्ट का जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को एडिशनल फोकस प्रदान करता है साइबर टेररिज्म और डाटा प्रोटेक्शन को ये एडिशनल क्लॉज इसमें जोड़े गए इसको वन एक सौ चौबीस सेक्शंस और चौदह चैप्टर्स में डिवाइड किया गया इसके uh, जो आई टी ए टू थाउजेंड के कुछ शेड्यूल्स थे शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड को रिप्लेस कर, 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 कर दिया गया और शेड्यूल थर्ड और फोर्थ को डिलीट कर दिया गया नाउ वी कम टू नो वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ इन अवर सोसाइटी वी आर लिविंग इन अ हाईली डिजिटलाइज वर्ल्ड हम एक हाईली डिजिटलाइज वर्ल्ड में निवास करते हैं जैसे हर किसी के हाथ में मोबाइल है हर कोई कंप्यूटर यूज करता है तो कंप्यूटर लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम का रेट भी बढ़ रहा है तो इस चीज़ को क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत है इसलिए हमारे समाज में साइबर लॉ की महत्ता है आल कंपनीज डिपेंड अपॉन दियर कंप्यूटर नेटवर्क एंड कीप दियर वेलेबल डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आज सारी कंपनियाँ जो भी कंपनियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ आज कंप्यूटर नेटवर्क से के ऊपर डिपेंड करती हैं और वो सारा अपना अवेलेबल डाटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करती हैं सर्वर पर प्रिजर्व करती हैं तो इस कंडीशन में उनकी उसको हैकिंग से बचाने के लिए उसकी साइबर उनको साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर लॉ की जरूरत है गवर्नमेंट गवर्नमेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी लॉ फॉर्म्स ई टी सी आर नॉ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गवर्नमेंट कंपनीज के जो भी फॉर्म्स हैं जैसे कंपनी लॉ का फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है ये सारा आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कंप्यूटर के द्वारा भरते हैं तो ये जो डाटा है इस रिकॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए साइबर लॉ की आवश्यकता है कंज्यूमर्स आर इनक्रीजिंगली जाते हैं मॉल में जाते हैं शॉपिंग करते हैं वहां क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको लीगल ऑथेंटिकेशन प्रदान करने के लिए हमें साइबर लॉ की आवश्यकता है जो आजकल हर कोई ईमेल यूज कर रहा है सेलफोन यूज कर रहा है एसएमएस मैसेज फॉर कम्युनिकेशन यूज कर रहा है तो इनके द्वारा जो भी क्राइम हो ईमेल के द्वारा सेलफोन्स के द्वारा एसएमएस के द्वारा आप सब जानते हैं एमएमएस के द्वारा बहुत सारे क्राइम्स होते हैं तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए साइबर लॉ की आवश्यकता है यहाँ तक कि नॉन साइबर क्राइम केसेस में कई केसेस में कंप्यूटर और सेलफोन्स को एज आ एविडेंस यूज किया जा रहा है कई बार डाइवोर्स मर्डर किडनीपिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस में और टेररिस्ट ऑपरेशन में काउंटर फिट्स करेंसी काउंटर फिट फिट में हम लोग जो भी जो भी हमारा साइबर स्पेस है उसको एज आ एविडेंस यूज कर रहे हैं सिंस क्योंकि यह सारे तरह के ट्रांजेक्शंस एनी एक्टिविटी गवर्निंग विद साइबर स्पेस एनी एक्टिविटी गवर्निंग गवर्निंग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन सारी चीज़ों के साथ डील करता है इसलिए हमें साइबर लॉ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले युग में जी रहे हैं हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको हम आप जिनसे आप साइबर लॉ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद